अलवर सेंट्रल जेल में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक बंदी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कारागृह की ओपन जेल में सजा काट रहे कोटकासिम निवासी रविंद्र माथुर की अचानक तबीयत खराब हो गई। ऐसे में उसे कारागृह से सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर पुलिस ने मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मृतक बंदी का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। सुबह जेल खुलवाने में आया, उसके बाद में मुझे पता चला कि एक बंदी ओपन कैंप का बंदी था वीरेंद्र, पिताजी का नाम किशोर सिंह है, एक कोटकासिम का रहने वाला था, और फिर वो रात को उसकी डेथ हो गई थी ओपन कैंप पे। वो वास्तु उपचार के लिए भिजवाया गया तो सुबह उसकी डेथ हो गई थी। मुझे पोस्टमार्टम ये हार्ट का पेशेंट बताया, पहले भी हार्ट का इसका उपचार चल रहा है जेल में। अब क्या अटैक वटैक किसी? अब ये तो पोस्टमार्टम पता चलेगा। अटैक को प्रथम दृष्टा क्या लग रहा है? जी प्रथम दृष्टा क्या लग रहा है? हाँ, हार्ट पेशेंट ही था ये, तो इलाज तो हार्ट का ही चल रहा था। अटैक वटैक जी, तो पोस्टमार्टम कार्रवाई करवा रहे हैं। हाँ, पोस्टमार्टम कार्रवाई करवा रहे हैं। अपने यहाँ पर कब से है ये? अपने यहाँ 15/5/2019 से है ये। अच्छा अच्छा, आजीवन का बंदी था ये, खुला बंदी शिविर 15/5/2019 से ओपन जेल में जी। पोस्टमार्टम कार्रवाई जी।